सैमसंग इंडिया ने सैमसंग गैलेक्सी को भारत में लॉन्च कर दिया है। याद रहे कि सैमसंग के इस फोन को बीते महीने ही ग्लोबल मार्केट में उतारा गया था। सैमसंग गैलेक्सी A70 एंड्रॉइड पाई पर आधारित सैमसंग वन UI पर चलता है। ड्यूअल सिम वाले इस फोन में 6.7 इंच का फुल HD 1080x 2400 पिक्सल सुपर एमोलेड इन्फिनी डिस्प्ले है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ 6GB है। वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128GB की स्टोरेज है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाना संभव है। अब बात कैमरा सेटअप की। सैमसंग गैलेक्सी A70 में 32 MP का प्राइमरी सेंसर है। इसका अपर्चर F1.7 है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इसका अपर्चर F2.2 है। तीसरा सेंसर 5 MP का है। इसका अपर्चर F2.2 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर F2.0 है। गैलेक्सी में जान फूंकने के लिए 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो 25 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है। यह फोन फेस रिकॉग्निशन सपोर्ट के साथ आता है। सैमसंग ने बताया है कि गैलेक्सी की प्री बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू होगी और यह 30 अप्रैल तक चलेगी। प्री बुकिंग करने वाले ग्राहक 3799 रुपये वाले सैमसंग यूफ्लेक्स ब्लूटूथ हेडसेट को 999 रुपये में खरीद पाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी A70 को 28,990 रुपये में बेचा जाएगा। फोन का एकमात्र वेरिएंट उपलब्ध कराया गया है, जो 6GB रैम 128GB स्टोरेज से लैस है। फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट रंग में मिलेगा।